हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी एमटेस की जो एग्ज़ाम चल रही है, जो कि 2 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, और मैंने 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैंने आंसर के डाल दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और जनरल आपका जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है उसके भी क्वेश्चन जो है और आंसर मैंने डाले थे। तो आज जैसे कि कल जो 9 अगस्त को जो हुआ था, तीनों शिफ्ट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के हमने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा अगर जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे जो रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी न्यूज़ है उसके बारे में आप अप टू डेट रहेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एमपी जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं वो उन कौन है। तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर वो हैं लालजी टंडन। हालांकि राइटिंग थोड़े क्वेश्चन है थोड़े जल्दी में लिखे गए हैं, लगभग 3-4 स्टूडेंट से हमने क्वेश्चन पूछे थे, उनके जो मेमोरी, उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उनको जो क्वेश्चन याद थे वो क्वेश्चन हम यहाँ पे मैक्सिमम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है, जैसे 9 अगस्त को जो भी जिनका भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसका आंसर आपको बता सकें दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन है, जून 2019 तक मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे। यानी जून 2019 तक मानव संसाधन मंत्री थे वो कौन थे, वो थे प्रकाश जावड़ेकर। अभी कौन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि आपके जो आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन साथ में चलती रहे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको 100% इसका आंसर पता होगा कि अभी जो फिलहाल जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो कौन है। लेकिन जून 2019 तक कौन थे, प्रकाश जावड़ेकर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है। जो लावणी है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, वो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अजात शत्रु के नाम से पुकारते थे। गांधी जी हैं वो अजात शत्रु के नाम से किसे पुकारते थे, जिसका कोई एनिमी, अजात शत्रु किसको बोलते हैं, जिसका कोई दुश्मन ना हो, एनिमी ना हो, उसको बोलते हैं अजात शत्रु। तो गांधी जी किसे पुकारते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 और 77 में भारत में राष्ट्रपति कौन थे। जब इमरजेंसी लगी हुई थी भारत में 1977 और 75 में, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में जो समर ओलंपिक होते हैं, ग्रीष्म काल में जो ओलंपिक होते हैं वो 2020 वाले जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, जो समर ओलंपिक 2020 है वो कहाँ पे होंगे ग्रीष्मकाल ओलंपिक, तो वो होंगे जापान में, यानी टोक्यो में, जापान के टोक्यो में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवोल्यूशन 2020 जो उपन्यास है वो किसने लिखा था। जो रिवोल्यूशन 2020 जो बुक है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी चेतन भगत ने, वो लिखी थी चेतन भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड का सिंबल, जो लेड है एक धातु है उसका जो सिंबल प्रतीक है वो क्या है। लेड का जो प्रतीक है वो है पीबी, लेड का प्रतीक होता है पीबी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश के संस्थापक का क्या नाम, जो प्रतिहार वंश थे, गुजर प्रतिहार वंश, उनके जो वंश के संस्थापक थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा। आप मैच कर लीजिए दोस्तों कि ये किस शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आए, जिन जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनको पता होगा हमारे किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन हैं वो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटियाला का शीश महल किसने बनाया था। जो पटियाला है पंजाब में वो, उसमें वहाँ पे शीश महल बना हुआ है वो किस राजा ने बनाया था, उसका नाम है महाराजा नरेंद्र सिंह ने, महाराजा नरेंद्र सिंह ने 1847 में बनवाया था। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो कि इसका आंसर ये नहीं, ये हो सकता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। हालांकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन हमारे याद थे उनके जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ वो 100% करेक्ट है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव का, जो राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो उनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 55 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। इंडियन ओवरसीज बैंक के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका क्या नाम है, करनाम शेखर, करनाम शेखर उनका नाम है। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है वो क्या है। एडोमेंट का जो सिनोनिम वो क्या होता है, रिजोल्ड, एडोमेंट का जो सिनोनिम होता है वो रिजोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, रिमेंबर, रिमेंबर का जो सिनोनिम, रिमेंबर का मतलब याद करना होता है, रिकॉल का मतलब भी याद करना होता है, तो रिमेंबर का जो सिनोनिम होता है वो होता है रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
रिसेंबल का सिनोनिम क्या होता है? रिसेंबल करना, रिसेंबल का सिनोनिम होता है फेवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, अभी जो हम डिस्कस करेंगे आगे जो वह है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहेंगे। आपके जो करेक्ट स्पेलिंग करनी थी, आपको जो कमेटी की स्पेलिंग वो आपको गलत दी हुई थी, आपको चार ऑप्शन थे, उन चारों ऑप्शन में आपको ये चूज करना था कि इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कमेटी की कौन सी है। तो करेक्ट कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग होगी COMMITEE, ये होगी कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग। और एनिवर्सरी की करेक्ट स्पेलिंग ये होगी AWNIVERSARY। तो ये करेक्ट स्पेलिंग यानी इंग्लिश के क्वेश्चंस थे सिनोनिम्स एंटोनिम्स फर्स्ट शिफ्ट के, अभी और भी डिस्कस करेंगे हम आगे। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं उनके भी आंसर की मैं लेके आता रहूँगा। जिन स्टूडेंट्स के आगे एग्जाम है तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं, आपको ऑप्शन दिए हुए थे जो भी, यस बैंक है, महिंद्रा बैंक है, बंधन बैंक, उन चारों ऑप्शंस में आपको ये चूज करना था कि इन चारों में से कौन सा बैंक है वो जो नेशनलाइजेशन बैंक नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बंधन बैंक है, वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। नोकिया के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नोकिया के कौन है, वह है राजीव सूरी, राजीव सूरी हैं वो नोकिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो जिन स्टूडेंट्स की आगे एग्जाम होनी बाकी है उनको मैं बता दूं कि जो भी CEO हैं मेन कंपनीज के, वो CEOs याद जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस पिछले 7 तारीख को भी CEO के क्वेश्चंस आए थे कि कंपनी के CEO कौन है, जो टॉप कंपनीज हैं उनके बारे में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर किस प्रकार की मिट्टी है, जो खादर वो किस प्रकार की मिट्टी है, वो है जलोट मिट्टी, जलोट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का थिएटर नृत्य क्या है, जो हरियाणा है उसका थिएटर नृत्य क्या है, स्वांग, ये राजस्थान का भी थिएटर नृत्य स्वांग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके कि जो आनंद मठ किसने लिखी थी, जो आनंद मठ है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी 1882 में, 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राफ्टिंग जो कमिटी थी उसमें कितने सदस्य थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी हुई थी उसमें कितने सदस्य थे, उसमें थे 7 सदस्य, टोटल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो जो केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरीज हैं राजस्थान इंडिया इंडिया के अंदर टोटल 7 हैं, अभी 2 और ऐड हो गई हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, कश्मीर भी यूनियन टेरिटरीज में आ गया और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरीज में आ गया है। लेकिन ये पहले का क्वेश्चन है कि केंद्र शासित, ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि केंद्र शासित प्रदेश संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 7 में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी लोकसभा सदस्य जो सांसद बने थे, तो सांसद पहली बार कब बने थे, सांसद लोकसभा के सदस्य पहली बार कब बने थे, 2004 के अंदर, वेस्ट बंगाल से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंजार मेला किस नृत्य में लगता है, सॉरी किस राज्य में लगता है, जो मिंजार मेला होता है वो किस राज्य में लगता है, वो लगता है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में, जो मिंजार मेला है वो किस राज्य में लगता है, वो लगता है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन, जो जिस भी स्टेट के जो मेन जो नृत्य हैं, मेले हो गए, नृत्य हो गए, वो आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो SSC पूछ रहा है, पिछले 3-4 एग्जाम में पूछ चुका है, इसी की जो MTS के एग्जाम चल रहे हैं इन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी वो याद कर सकते हैं, क्वेश्चन जिनका एग्जाम होना अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा मिट्टी से कौन सा पोषक तत्व लिया जाता है, जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से कौन कौन से पोषक तत्व वो लेते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर हमला किसने किया था, जो सोमनाथ मंदिर है उस पर हमला किसने किया था, मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गजनवी ने हमला किया था, 1000 से 1025 के बीच में किया था, लगभग टोटल 17 बार हमला किया था सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। बुट्टा कोला डांस किस राज्य से संबंधित है, जो बुट्टा कोला है डांस किस राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से। आ गया एक और आ गया नृत्य से संबंधित, तो दोस्तों नृत्य से कला से संबंधित जो हर स्टेट की जो अलग अलग कला होती है, नृत्य हो गया, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कौन सा यौगिक असंतृप्त है, कौन सा, ये आपको 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से आपको चूज करना था कि कौन सा जो यौगिक है वो असंतृप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंजीन। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी किस नदी की सहायक है, जो भागीरथी नदी वो किस नदी की सहायक है, वह गंगा नदी की सहायक है।
अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई? जो ग्रामीण स्वच्छता अभियान है उसकी शुरुआत 1986 में हुई थी, और स्वच्छ भारत के अभियान जो स्वच्छ भारत अभियान चला था उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है, क्योंकि स्वच्छता से जुड़ा जो कि टॉपिक वही रहेंगे, हर टॉपिक पे क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन से, वो पैटर्न पैटर्न वही रहता है, टॉपिक वही सिलेक्ट होते हैं, हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट एग्जाम में क्या पता ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्वच्छ भारत अभियान वो कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को, और क्वेश्चन आपके क्या आया था कि ग्रामीण स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई, 1986 को। अगला क्वेश्चन है, सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो मान किसने मान होता है ना, वो किसने दिया था, वो दिया था किस साइंटिस्ट ने दिया था, वो दिया था हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्री ऑफ विंड्स, कंट्री ऑफ विंड्स किसे कहा जाता है, डेनमार्क को, कंट्री ऑफ विंड्स के नाम से कौन सा देश है वो जाना जाता है, डेनमार्क। भावेश सिंह किस खेल से संबंधित है, भावेश सिंह वो है कराटे से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, एमओयू की फुल फॉर्म आपको पूछी थी कि जो एमओयू की जो फुल फॉर्म होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी कोई हमारा देश का जो नेता, जैसे प्रधानमंत्री, अगर दूसरे देश में जाके किसी भी हमारे देश के साथ कोई समझौता करता है किसी भी व्यापार से संबंधित, तो वहाँ पे वो एमओयू पे सिग्नेचर करता है कि हमने इस देश के साथ ये व्यापार में साझा किया या फिर ये व्यापार करना चाहते हैं, तो वो एक लेटर होता है, उसको बोलते हैं एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, उसको बोलते हैं एमओयू, बोलते हैं ना कि एमओयू पे सिग्नेचर किया है इस व्यापार से संबंधित, तो वो होता है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीशियस का एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द क्या होगा, इंसिपिड, इंसिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल का एंटोनिम्स विलोम शब्द क्या होगा, ऑर्डरली। तो ये क्वेश्चन से दोस्तों जो स्टूडेंट्स, 3-4 स्टूडेंट्स से हमने डिस्कस किए थे, उनको जो क्वेश्चन याद थे वो हमने डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आगे याद है कि आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन भी अभी बच गया, तो आप वो क्वेश्चन अगर आपको याद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि उसका आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी बता सकें। तो आगे जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम होना बाकी है, तो वो भी एक बार ये सारे क्वेश्चन देख ले कि किस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, ताकि उनके आगे जो हेल्प मिल सके कि वो टॉपिक वो फिर से तैयार कर सकें। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।